औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन नाउ आई डिलीवर द लेक्चर ऑफ मिरेकल ऑफ साइंस ग्रेड 6 नाउ ओपन द यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 41 इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं यानी इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे और उस माहौल में रह के अपने लिए फूड वगैरह ले रहे हैं दूसरे जानदारों से या जिस तरह से भी वो सर्वाइव कर रहे हैं वो इकोसिस्टम में ये सारा काम हो रहा है. इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा एनिमल्स और प्लांट्स और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उसमें सॉयल टेम्परेचर रेन ये सारे नॉन लिविंग में आ जाएंगे. जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उसको बायोटिक भी बोला जाता है और जो नॉन लिविंग हैं उसको एबायोटिक बोला जाता है. ए का मतलब होगा एब्सेंट यानी कि नॉन लिविंग थे इस वजह से हम उसे एबायोटिक ऑर्गेनिज़म्स वगैरह कह सकते हैं. इसके अलावा इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे हर्बीवोर्स कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में. हर्बीवोर्स क्या हैं ऐसे जानदार जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं हर्बीवोर्स आ जाएंगे उसमें. और हर्बीवोर्स के एग्जांपल में रैबिट वगैरह आ जाता है. सेकंड पे है कार्निवोर्स जो कि दूसरे जानदारों को फीड करते हैं यानी कि मीट वगैरह पे फीड करते हैं वो कार्निवोर कहलाएंगे. लाइन इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा. थर्ड है ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स क्या है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाएंगे. और उसकी एग्जांपल में हम ह्यूमंस आ जाते हैं क्योंकि हम प्लांट्स पे भी फीड करते हैं यानी वेजिटेबल्स वगैरह जो होंगी वो प्लांट्स में आ जाएंगी और हम एनिमल वगैरह जो हैं उस पर भी फीड करते हैं यानी मीट चिकन वगैरह. नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर क्या हैं डिकम्पोजर क्या हैं और कंज्यूमर्स क्या हैं. इसके अलावा हैबिटेट हैबिटेट ऐसी चीज़ को बोला जाता है ऐसी जगह को कहा जाएगा जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रह सकते हैं और जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह को हम हैबिटेट बोल देंगे. वहाँ से वो अपनी फूड भी लेंगे अपने लिए शेल्टर वगैरह भी वहीं से लेंगे. टाइप्स ऑफ हैबिटेट हैबिटेट की दो टाइप्स हैं एक है एक्वेटिक और दूसरी है टेरेस्ट्रियल. जो एक्वेटिक है उसमें आ जाएगा एक्वेटिक की भी आगे से फर्दर टू टाइप्स होंगी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर. ऐसी फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स और स्ट्रीम वगैरह आ जाएंगे. कुछ जानदार जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं सर्वाइव करते हैं और कुछ जो हैं वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं यानी कि सीज और ओशंस वगैरह में. इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअलिज्म है पैरासिटिज्म है और प्रेडेशन है जो हमने यूनिट 4 में इकोसिस्टम में स्टडी करना है. म्यूचुअलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों को बेनिफिट होगा. जब उन्हें बेनिफिट होगा तो उसके एग्जांपल में क्या आ जाता है हनी बी. जो शहद की मक्खी है हनी बी है वो प्लांट्स जो फ्लावर्स है उससे नेक्टर लेती है. जो उसका रस है वो सक करती है उसका नेक्टर लेगी और फ्लावर्स उसको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लावर्स के ऊपर जो स्टिग्मा या एंथर वगैरह प्रेजेंट होंगे उस पर ग्रेन्स जो प्रेजेंट होंगे वो बीज के साथ या उनके फीड्स के साथ वो चिपक जाते हैं जिस वजह से वो पोलिनेशन में हेल्प करवा देती है यानी कि फ्लावर्स की पोलिनेशन हो जाएगी नेक्स्ट न्यू प्लांट बनाने में. और जो थी हनी बी थी उसको नेक्टर मिल जाएगा किस फॉर्म में वो नेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देगी हनी में. इसके बाद आ जाता है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म क्या है एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है और इसके एग्जांपल में आ जाता है पैरासाइट्स. कुछ पैरासाइट्स कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में उनके इंटेस्टाइन में या गट में रहते हैं और हमसे फूड भी लेते हैं इंटेस्टाइन से फूड ले रहे होते हैं और बदले में नुकसान पहुँचा रहे होते हैं. इनको पैरासाइट्स या पैरासिटिज्म इस रिलेशनशिप को कहा जाएगा. इसके बाद है प्रेडेशन. प्रेडेशन में प्रे वगैरह होता है जो कि अपना शिकार जो है वो लेगा. नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 42
द प्लैनेट अर्थ इज होम टू मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारी प्लैनेट है यानी अर्थ है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जिंदा जानदार रहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के वायरसेस वगैरह आ जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. जितनी भी जिंदा जानदार हैं वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं. वी से हम कह सकते हैं दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट, कि ये एक दूसरे पर इन्हसार कर रहे हैं. यानी कि लिविंग थिंग्स का जो रिलेशनशिप है वो नॉन लिविंग के साथ होता है. यानी कि नॉन लिविंग से भी वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं और जो नॉन लिविंग है वो लिविंग से कुछ ना कुछ ले रहे हैं. नॉन लिविंग फैक्टर में क्या आ जाएगा? लाइक टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सॉइल, मुख्तलिफ तरह की सॉइल होती है, मट्टी वगैरह, रेन एंड द लैंडस्केप ऑफ अ रीजन. अफेक्ट लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करेंगी. यानी कि नॉन लिविंग का लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप आ जाएगा. इसके बाद आ जाता है पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज. कुछ लोग जो हैं वो ठंडे इलाकों में रहते हैं. कैन नॉट ड्रेस लाइक दोज लिविंग इन हॉट एरियाज. जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हॉट एरियाज में रहते हैं, लेकिन ड्रेस जो है उनके अपने वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर रह रहे हैं. लाइक लाइंस, कोज और डॉग्स कैन नॉट लाइव अंडर द सी. अब वो कह रहे हैं कि रहते तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़मीन पर हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सर्वाइव करते हैं ओशंस में और कुछ जो हैं वो रिवर्स में. इस तरह से जो लाइन है, कोज है और डॉग्स वगैरह हैं वो सी में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं. एनिमल्स लाइक फिश एंड सी हॉर्सेज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. और अगर हम बोलें कि फिश और जो एनिमल्स हैं इसमें सी हॉर्स आ जाता है कि ये बगैर पानी के रहें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका तो हैबिटेट इनके लिए है ना, स्पेसिफिक हैबिटेट है, तो ये वाटर में रहेंगे, बगैर वाटर के तो ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे. डिफरेंट प्लांट्स नीड different types of soil. अब different तरह के plants को different तरह की मट्टी की ज़रूरत होती है. अब हर एक plant एक ही मट्टी में survive नहीं करेगा, एक ही तरह की soil में वो survive नहीं करता. And different climates for their proper growth. और इन्हें अपनी proper growth के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मुख्तलिफ तरह के climates की. यानी इन्हें light भी चाहिए है, इसके अलावा इन्हें water भी चाहिए है, environment भी चाहिए है, तो हर तरह से ये उसमें ग्रोथ कर सकते हैं. मोस्ट प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल विल्ट एंड डाई विदाउट इनफ वाटर. विल्ट यानी कि मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं, किस वजह से? विदाउट इनफ वाटर, पानी की कमी की वजह से. बट कैक्टे, कैक्टे एक प्लांट का नाम है, ग्रो इन डेजर्ट्स, जो कि रेतले इलाकों में या सहराओं में ग्रो करता है, वेयर देयर इज नो वाटर फॉर मंथ्स. और ये ऐसा प्लांट है कैक्टे प्लांट जो कि काफ़ी मंथ्स तक भी अगर इसे वाटर ना मिले तो ये सर्वाइव कर सकता है. द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट मेक अप एन इकोसिस्टम. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उनका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, यही मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम. द लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं? माइक्रो मीन छोटे, और ऑर्गेनिज़म जानदार. छोटे जानदार यानी कि वायरसेस आ जाते हैं उसमें, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी लिविंग ना आर कॉल्ड बायोटिक पार्ट. जो कि लिविंग होंगे उनको हम बायोटिक बोल देंगे. और उसके बाद आ जाते हैं नॉन लिविंग. ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड विंड आर एबायोटिक पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ये सारे एबायोटिक पार्ट्स हैं इकोसिस्टम के. नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लो चार्ट में हमें एक्सप्लेन किया गया है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को दो में डिवाइड किया जाता है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक. बायोटिक कौन से हैं? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं. और एबायोटिक कौन से हैं? जिसमें नॉन लिविंग आ जाते हैं, यानी कि जो जिंदा जानदार ना होंगे. और बायोटिक में कौन से आएंगे? जो कि जिंदा जानदार होंगे. अब बायोटिक में जो एग्जांपल्स हैं, हमने ऊपर रीडिंग में भी इसको पढ़ा था, एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे. और एबायोटिक में कौन से होंगे? सॉइल यानी मट्टी, वाटर, विंड, सनलाइट और क्लाइमेट वगैरह.
एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे इकोसिस्टम के? फॉलोइंग द आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स विच हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट के भी बहुत से मेजर काम हैं यहाँ पे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ। वाटर जो कि नॉन लिविंग था, एबायोटिक था, लेकिन ये फिर भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ एन असेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट मस्ट हैव वाटर टू ग्रो, और जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं वाटर जब उन्हें मिलेगा। वाटर अलो ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन केमिकल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। वाटर ही इन्हें ऑर्गेनिज़म्स को अलो करता है कि वो हासिल करें केमिकल्स जो कि उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। फूड की ब्रेक डाउन करें वाटर की मौजूदगी में, वाटर की प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन होगी, जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड मूव सब्सटेंसेस इन देयर बॉडीज़, और अपनी बॉडीज़ को मूव भी कर सकते हैं जब वाटर वगैरह ज़रूरी होगा। या मूव ऑन द नेक्स्ट पेज 43। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ज़मीन पे जो सनलाइट है वो एक अहम ज़रिया है किस चीज़ का? एनर्जी हासिल करने का। सनलाइट एनर्जी ट्रैप बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को, उसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं, अपनी तरफ लेके आते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने चैप्टर नंबर 3 में बड़ा डिटेल से पढ़ा था। इज पास्ड बाय वे ऑफ फूड वेब टू द एंटायर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इज एवेंचुअली लॉस्ट एज हीट। और ये हीट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है। विदाउट द सन, सूरज के बगैर प्लांट्स कुड नॉट लाइव। जो प्लांट्स हैं वो नहीं जिंदा रह सकते। एंड विदाउट प्लांट्स, और प्लांट्स के बगैर एनिमल्स कुड नॉट लाइव। अगर प्लांट्स को लाइट नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिल रही, तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे। और अगर प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे तो हम प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते, एनिमल्स प्लांट के बगैर नहीं रह सकते, तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे। थर्ड है हमारे पास एयर एंड विंड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है एयर में। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यूज्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिसको प्लांट्स भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारी लाइफ के प्रोसेस जो हैं उनको कैरी रखने के लिए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन आर नॉट लॉस। जो रॉ मटेरियल है ये लॉस नहीं होता। दे आर यूज्ड एंड रीयूज्ड ओवर एंड ओवर एज दे सर्कुलेट बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हम लोग इसको बार बार इसको पहले यूज़ करेंगे, दोबारा से इसको रीयूज्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक का जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं ये दोनों, बायोटिक और एबायोटिक। द विंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्शन ऑफ सीड टू डिस्टेंट प्लेसेज। इसके अलावा जो विंड है वो किस लिए ज़रूरी है? डिस्पर्स करने के लिए। किन चीज़ों को? सीड्स को फैलाने के लिए, ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। फोर्थ वन है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? द एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ सनशाइन अफेक्ट द टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। जिस जगह पे रह रहे हैं हम, वहाँ पे एवरेज देखी जाती है टेम्परेचर की, रेनफॉल की, और उनकी सनशाइन की अमाउंट वगैरह के, किस हिसाब से जो सन है वो शाइन कर रहा है। ऑर्गेनिज़म्स लिविंग इन वेट और वेरी कोल्ड क्लाइमेट। जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो गीली जगहों पे भी रहती हैं और वेरी कोल्ड या ठंडी जगहों पे भी रहते हैं, एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम दोज लिविंग इन हॉट। और जो गर्म इलाकों में रहते हैं या खुश्क इलाकों में रहते हैं, वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो जानदार हैं वो दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होंगे, और उनका रहने का तरीका वगैरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। फिफ्थ है हमारे पास सॉइल।
सॉइल क्या है, सॉइल हेल्प प्लांट टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सच एज स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. अगर सॉइल हमारे पास ज़्यादा अच्छी है तो उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी ताकि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके. द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा उसमें ऑर्गेनिज़म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे एंड डिकेइंग मैटर, और जो डिके मैटर था यानी कि फालतू मवाद था वो उसमें प्रेजेंट होगा. सैंडी सॉइल एक होती है, रेतली मिट्टी होती है, हैव लार्ज एयर स्पेसिस एंड कैन नॉट होल्ड वाटर. जो रेतली मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल है, उसमें एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं और जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है तो वो वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती. सो दे आर लाइट एंड ड्राई, इसलिए ये खुश्क होती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है. हाउएवर क्ले सॉइल हैव वेरी फाइन पार्टिकल विद ऑलमोस्ट नो एयर स्पेसिस. जो क्ले सॉइल है, यहाँ पर हमने सैंडी सॉइल पढ़ा था फर्स्ट पे, सेकेंड पे वो अब हमें कह रहे हैं क्ले सॉइल. क्ले सॉइल कैसी है? वेरी फाइन पार्टिकल विद ऑलमोस्ट नो एयर स्पेसिस, इसमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं है, सो दे कैन होल्ड अलॉट ऑफ वाटर. इसमें जब एयर स्पेसिस ही नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती हैं एंड आर हैवी एंड वेट. ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और ये हार्ड टाइम गीली रहेंगी, जबकि हमने सैंडी सॉइल में पढ़ा था वो ड्राई रहेगी, और यहाँ पर हम क्ले सॉइल में पढ़ रहे हैं कि ये वेट रहेगी. प्लांट ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल, जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में, हैव स्प्रेडिंग रूट्स, क्योंकि उसके अंदर रूट्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड की होती हैं, फैलाई होती हैं. किस चीज़ के लिए? वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए. देयर थिक फ्लैशी लीव्स एंड स्टेम्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर टू स्टॉप द एवेपोरेशन ऑफ वाटर. जो इनकी थिक लेयर है, फ्लैशी लीव्स जो हैं इसके और स्टेम है, वो कवर्ड होती है वैक्सी लेयर से, जो कि एवेपोरेशन को रोकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो एवेपोरेट ना हो सके. एनिमल्स लिविंग इन सैंडी सॉइल, एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा सैंडी सॉइल में रहते हैं, ब्यूरो और अपनी बिलें बना के वहाँ पर रहते हैं, डीप इन टू द सैंड, सैंड के बिल्कुल अंदर वाली साइड पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिविंग टूगेदर बायोटिक इंटरेक्शन फॉर फूड. ऑर्गेनिज़म्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म, जो एक ऑर्गेनिज़म है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की जो लाइव्स हैं उन्हें अफेक्ट कर सकता है, लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल में रहते हुए. ऑफन वन ऑर्गेनिज़म कैन नॉट लाइव इन अ हैबिटेट विदाउट अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म. फॉर एग्ज़ाम्पल, फंजाई नियर डेड प्लांट्स, जो फंजाई हैं उन्हें जो मरे हुए प्लांट्स हैं, मुर्दा प्लांट्स हैं, उनकी ज़रूरत होगी. एंड एनिमल्स टू फीड ऑन, और एनिमल्स भी उस पर फीड कर सकते हैं. शीप नीड्स ग्रास, और जो शीप वगैरह हैं उन्हें घास की ज़रूरत है. एंड बैक्टीरिया इन देयर गट्स, और उनके गट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं. एंड पेंगुइन्स नीड फिशेज, जो पेंगुइन्स हैं उन्हें फिशेज की ज़रूरत होती है अपनी फीडिंग के प्रोसेस के लिए. प्लांट्स कंपेयर विद ईच अदर, जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से कंपीट करते हैं किस चीज़ के लिए? लाइट के लिए, वाटर के लिए एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए, और जो एनिमल्स हैं वो कंपीट करते हैं किस चीज़ के लिए? फूड के लिए. यानी प्लांट्स भी कंपीट करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी कंपीट करते हैं. जो प्लांट्स हैं वो लाइट और वाटर के लिए कंपीट करेंगे दूसरे प्लांट से, और जो एनिमल्स हैं वो फूड के लिए दूसरे प्लांट से कंपीट करेंगे. Nearly all animals depend directly or indirectly for their food on plants. जो जितने भी organisms हैं या animals हैं वो depend करते हैं directly या indirectly food के लिए plants पे, क्योंकि इन्हें plants की तो ज़रूरत है. They make directly eat plants, ये plants को eat करेंगे as food or feed on organism. Which fed on plants. Plants are called producer. जो plants हैं उनको हम producer बोलते हैं. Producer ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी food खुद prepare करते हैं, दूसरे जानदारों पर इन्हसार वो नहीं करेंगे, और ये plants वगैरह कहलाएंगे जो कि producers हैं. Next, move on the page number 44. हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं और ओमनीवोर्स हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बताया था आपको समरी में.
हर्बीवोर्स क्या हैं, ऑर्गेनिज़म्स नीड फूड टू सर्वाइव, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है, एंड मैनी ऑफ अदर इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व फीडिंग. द इंटरेक्शन बिटवीन हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स एंड कार्निवोर्स विद अदर एनिमल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग फीडिंग. यानी कि कुछ हर्बीवोर्स हैं उन्हें कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें ओमनिवोर्स भी खा सकते हैं. इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी, इन्वॉल्व. सम हर्बीवोर्स फीड ऑन ग्रास, कुछ हर्बीवोर्स ऐसे हैं जो कि ग्रास पे फीड करते हैं. यानी जो प्लांट्स पे फीड करेंगे वो सारे हर्बीवोर्स कहलाएंगे. ये वर्ड हर्ब से निकला है, तो हर्ब क्या है, ग्रास वगैरह. तो हर्बीवोर्स जो हैं वो ग्रास पे फीड करेंगे. अदर फीड ऑन लीव्स, कुछ जो हैं वो पत्तों पे फीड करते हैं. एंड सम ईट फ्लावर्स फ्रूट्स एंड बेरीज, और कुछ जो हैं फ्रूट फ्लावर वगैरह पे फीड करते हैं. There are animals which feed only on other animals. कुछ animals ऐसे हैं जो कि दूसरे animals पे feed करते हैं. They eat insects, जैसे कि insects वगैरह कीड़े मकोड़े खाते हैं. Worms, birds और large mammals. They may eat herbivores और they may eat animals. हो सकता है ये herbivores खाते हों, यानी कि grass वगैरह खाते हों, या हो सकता है ये animals को खाते हों, यानी कि meat वगैरह खाते हों. Which eat other animals. They are known as carnivores, जो कि plants और animal दोनों पर feed करती हैं उसको collectively हम क्या बोल देंगे, carnivores. There are a small number of animals which eat both plant and animal as part of their normal diet. अपनी normal diet के लिए उन्हें plant और animal दोनों पर feed करना होता है. These include human and rats. They are called omnivores. तो ये omnivores कहलाएंगे. Omnivores, the biotic कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो बायोटिक है उसमें प्रोड्यूसर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे और डिकम्पोजर्स आ जाएंगे. नियरली ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड की जरूरत होती है किनको, प्रोड्यूसर्स को. देयर फॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए हम लोग इसको कंज्यूमर्स बोल देंगे. हर्बीवोर्स सच एज गोट, शीप, रैबिट, कॉज एंड एलिफेंट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये हर्ब्स पे फीड करते हैं, ग्रास पे फीड करते हैं. इस वजह से हम लोग इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल देंगे, बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट्स, ओनली ऑन ये प्लांट्स पे फीड करेंगे. ऑन दी अदर हैंड कार्निवोर्स सच एज फॉक्सेस, लियोपार्ड्स, लायंस, हॉग एंड ईगल आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर. इनको सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहा जाएगा, बिकॉज दे ईट हर्बीवोर्स, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को जो पहले हमने पढ़े थे जो कि कंज्यूमर्स को खा रहे थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो जो फीड कर रहे थे, अब उन्हें जो चीज़ें फीड करेंगी प्राइमरी कंज्यूमर्स को वो क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर, बिकॉज दे ईट हर्बीवोर्स एंड देयरफॉर दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, क्योंकि ये अपनी फूड के लिए इनडायरेक्टली उस पर इन्हसार कर रहे हैं. यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाया गया है, प्रोड्यूसर है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर भी है, ये प्राइमरी कंज्यूमर यही होगा. इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर वहाँ पे चला जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर इस पे फीड करेगा, उस सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर बोल देंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो इस पे फीड कर लेगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे, यानी कि कार्निवोर पे. तो इस तरह से ये सारा चेन चलता जाता है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 45. डिकम्पोजर्स एंड स्केवेंजर्स. डिकम्पोजर्स क्या हैं, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो कि डेड प्लांट्स पे फीड करते हैं. और स्केवेंजर क्या हैं, ये फीड करते हैं डेड एनिमल्स पे, जो मरे हुए जानवर हैं उन पे ये फीड करेंगे. व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई देयर बॉडीज डिके एंड आफ्टर सम टाइम डिसअपेयर इन टू द सॉइल, उसके बाद वो सॉइल में जब मट्टी के ऊपर हमें नज़र भी नहीं आती, बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. द मेन डिकम्पोजर विच कॉज द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आर सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई. इसमें इसका फंक्शन कौन रोल प्ले कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह. टर्मेट्स,
अर्थवर्म्स, वुडलाइस, मिलीपेड्स एंड स्लग्स में फीड ऑन डेड प्लांट मटेरियल. ये सारे जो हैं ये डेड प्लांट्स पे फीड करते हैं. ड्यूरिंग द डिके एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस द मटेरियल टर्न इंटू ह्यूमस इन द सॉइल. ह्यूमस क्या था? जो कि डेड प्लांट का मवाद था उसको ह्यूमस कहा जाएगा. गले सड़े जो प्लांट्स या एनिमल्स हो सकते हैं उसमें द ह्यूमस फॉर्म मिनरल सॉल्ट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड एंड फॉर ग्रोथ. और इसी ह्यूमस को जो प्लांट है दूसरे प्लांट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. स्केवेंजर्स क्या हैं? ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं इंटू स्मॉलर पीसेस, छोटे पीसेस में. फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स एंड हेनास फीड ऑन डेड एनिमल्स. और ये सारे जो हैं ये डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 46. द अर्थ हैज़ रीजन विद डिफरेंट क्लाइमेट्स. जो अर्थ है वहाँ पर डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स हैं. विद इन ईच रीजन देयर आर मैनी प्लेसेज वेयर एन एनिमल एंड प्लांट कैन लाइव. बहुत से रीजन ऐसे हैं या बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स दोनों सर्वाइव कर रहे हैं. द प्लेस वेयर एनिमल एंड प्लांट लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट. और ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स लाइव कर रहे हैं, जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, उसको हम हैबिटेट बोल देंगे. द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स होम. तो हैबिटेट क्या है? उनके लिए घर का काम करता है, उनका घर है तो वो क्या कहलाएगा? हैबिटेट. डिफरेंट हैबिटेट्स आर होम टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स के जो होम्स हैं यानी हैबिटेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, प्लांट्स के डिफरेंट हैं. ड्रैगन फ्लाई एंड स्लग्स दैट लिव नियर पॉन्ड्स एंड डैम प्लेसेस कुड नॉट लाइव इन अ हॉट डेजर्ट. जो ड्रैगन फ्लाई और स्लग्स हैं ये पॉन्ड्स के इर्द गिर्द रहते हैं जबकि ये हॉट डेजर्ट में नहीं रहते, गर्म इलाकों में ये नहीं सर्वाइव कर सकते. मॉन्कीज दैट लाइव इन हॉट फॉरेस्ट, गर्म जंगलों में रहते हैं जो मॉन्कीज हैं, वुड नॉट सर्वाइव इन अ कोल्ड ट्रीलेस प्लेस. और ये ठंडी जगहों पे नहीं रह सकते. इसके अलावा ट्रीलेस प्लेस यानी कि जहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट नहीं हैं ये उन जगहों पे सर्वाइव नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं या कितनी टाइप्स हैं? ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट फाउंड इन द वर्ल्ड कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ टू मेजर हैबिटेट्स. एक या दो इसके मेजर हैबिटेट हैं. एक है एक्वेटिक हैबिटेट और दूसरा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या था? एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाउंड इन वाटर. वाटर को कहा जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट की फर्दर टू टाइप्स हैं. फर्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर, सेकंड पे आ जाता है सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर जो है उसमें पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स आ जाएंगी और जो सॉल्ट वाटर है उसमें सीज और ओशंस वगैरह आ जाएंगे. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 47. यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट बताया है पेज नंबर 47 पे. हैबिटेट है, हैबिटेट उसको दो में डिवाइड किया गया था. दो मेजर हैबिटेट्स बताए गए थे, एक था टेरेस्ट्रियल एक था एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल जो था उसमें डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट आ जाता है और जो एक्वेटिक है उसमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आ जाता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइव ऑन लैंड फॉर मोस्ट और ऑल ऑफ देयर लाइफ स्पैन. वो ज़्यादा तौर पर जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजार देते हैं ज़मीन पे. द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन लैंड ग्रेटली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दैट इज़ वाई मोर देन हाफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइव इन द रेन फॉरेस्ट. इस वजह से ज़्यादा जो हैं वो एनिमल्स जो हैं वो और प्लांट्स हैं वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइव इन डेजर्ट्स. और बहुत कम ऑर्गेनिजम्स जानदार ऐसे हैं जो कि डेजर्ट में यानी कि सहराओं में रहते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नियर द इक्वेटर वेयर इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज वार्म एंड वेट. लार्ज एरियाज आर कवर्ड विद ट्रीज. बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो कवर किया हुआ है ट्रीज ने एंड प्लांट्स और पौधों ने. द फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड विद ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स. और जो फॉरेस्ट फ्लोर है उसको कवर किया है घास ने और कुछ छोटे प्लांट्स ने. फॉरेस्ट का क्या काम है? ये प्रोवाइड करता है शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स.
उन्हें साया देता है, जो कि एनिमल्स वहाँ पे फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहे थे, रह रहे थे, एनिमल्स सच एज बियर, उसमें एग्जांपल बता दी गई हैं, बियर्स आ जाता है, बैट्स लाइव इन फॉरेस्ट, केव्स अपनी वो गाड़ों में रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं मंकीज एंड बर्ड्स लाइव ऑन ट्रीज, और ये जो एनिमल्स हैं ये ट्रीज पे रहते हैं, मैनी इंसेक्ट लाइव ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, कुछ जो हैं वो जंगलों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे फ्लोर पे रहते हैं, मोल स्नेक अर्थवॉर्म एंड रैट्स लाइव इनसाइड ब्यूरो, वो अपनी बिलें बना के मिट्टी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर ड्राई, ये खुश्क इलाकों को कहा जाएगा, ऑफन सैंडी रीजन्स दैट रिसीव वेरी लिटल रेन, क्योंकि जो डेजर्ट वगैरह हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, द लैंड इज़ वेरी ड्राई, वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत खुश्क होती है, लिविंग थिंग्स हैव क्रिएटिव वेज ऑफ फाइंडिंग एंड सेविंग वाटर, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए जो वहाँ की ज़मीन वगैरह है वो पानी को सेव कर लेती हैं। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में वहाँ की जो ज़मीन डेजर्ट्स हैं वो बहुत गर्म होते हैं एंड कोल्ड एट नाइट, और रात में ठंडे होते हैं। वाटर इज हार्ड टू फाइंड इन अ डेजर्ट। कैमल, रेटल स्नेक क्या कौन सा स्नेक है, जो कि आवाज़ें निकालने वाला, खुड़ खुड़ की आवाज़ निकालने वाला सांप है। एंड ग्राउंड स्क्वायरल्स आर फाउंड इन डेजर्ट, इसके अलावा जो स्क्वायरल गुलहरियाँ वगैरह हैं वो भी डेजर्ट में रहती हैं। कैक्टसेस आर वेरी गुड एट स्टोरिंग वाटर, कैक्टस एक प्लांट का नाम है जो कि डेजर्ट में रहता है और वहाँ पे ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा पानी कम होने की वजह से भी ये वहाँ पे ग्रो कर सकता है, मंथ्स ऑफ तक भी अगर इसे पानी ना मिले तो ये अपनी बॉडी में इतना वाटर स्टोर कर लेता है कि एक डेढ़ मंथ तक ये वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा बहुत आसानी से, अगर बारिश वगैरह नहीं भी होती तो दे कैन लाइव विदाउट रेन फॉर मंथ्स, और ये बहुत से मंथ्स तक पानी को स्टोर करके रखता है और ये अपनी ज़िंदगी उसमें गुजार सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 48। यहाँ पे कंपैरिजन है बिटवीन द फिज़िकल फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड अ रेन फॉरेस्ट। कंपैरिजन मतलब दोनों में फ़र्क बताया गया है कि फ़र्क क्या है। डेजर्ट्स और डेजर्ट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, जो डेजर्ट है सहरा वगैरह है वहाँ पे बहुत कम बारिशें होती हैं, रेन फॉरेस्ट रिसीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। डे टाइम इज़ यूजुअली हॉटर देन द नाइट टाइम, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पे तपिश पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है देन द नाइट टाइम, अगर नाइट टाइम रात के वक्त से कंपेयर किया जाए तो। रेन फॉरेस्ट द टेम्परेचर रेंज फ्राम हॉट टू मॉडरेट, गर्म होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती बल्कि मॉडरेट होगी। A desert is a dry, hot place because it receives maximum sunlight. Desert जो है वो dry होती है, बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, गर्म जगह है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो sunlight है उसको receive किया जाता है। Due to large tall trees, rainforest में क्या होता है, बड़े बड़े दरख्त वहाँ पे present होते हैं, वहाँ पे trees थे, less sunlight, वहाँ trees ज़्यादा होने की वजह से sunlight बहुत कम उन्हें मिल रही थी reach the ground, जिस वजह से वहाँ पे जो उनका एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कूल रहता है। द सॉइल ऑफ द डेजर्ट इज शैलो सैंडी एंड रॉकी, यहाँ की जो सॉइल है मिट्टी है वो शैलो होगी, रेतली होगी, रॉकी चट्टानों की तरह की होगी, जबकि रेन फॉरेस्ट में जो टॉप सॉइल है इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे ऊपर वाली सॉइल नहीं होगी। There is no surface water, desert में पानी की तो पहले बड़ी कमी थी तो वहाँ पे उसकी सरफेस में या उसकी ज़मीन पे पानी मौजूद नहीं होता, जबकि रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, देयर इज़ अलॉट ऑफ सरफेस वाटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। द एयर इन आर डेजर्ट इज़ ड्राई, जो डेजर्ट है वहाँ पे हवा जो है वो भी बहुत ड्राई होती है, और जो रेन फॉरेस्ट है, द एयर इन आर रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी ह्यूमिड ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, वहाँ की जो हवा है उसमें नमी होती है जिस वजह से जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ठंडा इलाका होता है एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट के।
एडॉप्टेशन है. एडॉप्टेशन क्या है? ऑल एनवायरनमेंट हैव पर्टिकुलर फीचर्स. हर एक एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ तरह के फीचर्स होंगे. इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स. एक खास किस्म के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल यहाँ पे दी है कैमल की. अ कैमल इन अ डेजर्ट, ये डेजर्ट में रहता है कैमल, कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प. जो इसके उभारनुमा हिस्सा होगा उसको हम्प कहा जाएगा और ये अपने हम्प में फूड को स्टोर कर सकता है. किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए. अ लाइन हैज़ शार्प टीथ. जो लाइन है उसके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज होते हैं, फॉर टियरिंग द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे, जो उसका शिकार है उसकी चीर फाड़ करने के लिए. सिमिलरली इसी तरह से अ कैक्टस, कैक्टस जो हमने पीछे पढ़ा था, प्लांट है जो कि डेजर्ट में रहता है और ये बहुत देर तक सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर. इन द डेजर्ट हैज़ नीडल लाइक लीव्स. इसके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो सुइयों की तरह के लीव्स होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, टू अवॉइड लॉसिंग वाटर, ताकि पानी लॉस ना हो. बाय एवेपोरेशन दे कैन लाइव विदाउट रेन फॉर मंथ्स, और ये काफ़ी देर सर्वाइव कर सकता है. यहाँ पे डायग्राम दिखाई है कैक्टस प्लांट की. इसके ऊपर नीडल्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, पानी को लॉस होने से बचाते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 49. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ जानदारों का आपस में रिलेशनशिप किस तरह से होता है या कैसा रिलेशनशिप है. ऑर्गेनिज़म्स आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. किस चीज़ के लिए? फूड के लिए और सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए. दे कोऑपरेट एंड कम्पीट. कुछ तो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे, ठीक है आप ये काम कर लो मैं ये काम कर लेता हूँ, इस तरह से कोऑपरेट हो जाएगा, या ऐसा काम करेंगे जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा, या ऐसे में हम लोग उसको कोऑपरेशन बोल देंगे कि कोऑपरेट करके ये ऑर्गेनिज़म्स काम कर रहे हैं. जबकि कुछ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कम्पीट भी करते हैं, यानी एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान हो जाएगा, एक के लिए बेनिफिटेड है और एक के लिए हार्मफुल है विद वन अनदर. Various type of relationship exist between organisms. Some of them are described below. नीचे कुछ की example बता दी है. इसमें relationship जो है वो आ जाता है mutualism, parasitism और इसके अलावा आ जाता है predation. What is mutualism? Mutualism क्या है? In this type of relationship, the two organisms benefit from each other. दो जानदार हैं जिनका आपस में benefit होगा और उसको हम क्या बोल देंगे? Mutualism. One example of mutualism, mutualism की एक example है, is the relationship between honeybee reproduction and nectar producing plant. Honeybee, यहाँ पे example mutualism में क्यों बताई? क्योंकि ये flowers पे फीड करते हैं, फ्लावर्स पे जाके जब हनी भी बैठती है वहाँ से उसका नेक्टर सक करती है, जो उसका जूस था फ्लावर का उसको वो ले रही है, और जो उस पर ग्रेन्स प्रेजेंट थे पोलिनेशन के लिए फ्लावर पे वो बी के फीड्स के साथ लग जाएंगे, और जब बी जाके दूसरे किसी प्लांट पे बैठेगी फीड करेगी तो वहाँ पर जाके वो जो ग्रेन्स थे वो वहाँ पे जाके उस प्लांट पे लग जाएंगे, इस तरह से इसकी पोलिनेशन हो जाएगी. मतलब प्लांट को भी फ़ायदा मिल गया जो फ्लावर से नेक्टर लिया था, और हनी बी को भी फ़ायदा मिल गया क्योंकि वो नेक्टर लेगी उससे तो वो हनी बनाएगी ना. एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, द हनी बी हेल्प टू पोलिनेट द प्लांट. जो हनी बी है वो पोलिनेशन के लिए हेल्पफुल है फॉर रिप्रोडक्शन, एंड द प्लांट प्रोवाइड द हनी बी विद नेक्टर फॉर फूड, और वो फूड के लिए उसको नेक्टर दे रहा है, और जो हनी बी थी वो बदले में उसकी पोलिनेशन करवा रही थी. हेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, यानी दोनों ऑर्गेनिज़म्स को बेनिफिट हो गया, फ़ायदा हो गया दोनों का, यानी इन्होंने दोनों ने क्या किया? कोऑपरेशन कर ली. Another example of mutualism are lichens which are made up of an alga and fungus living together. यानी कि यहाँ पे alga और fungus की example है जो कि इकट्ठे survive करते हैं, इकट्ठे रहते हैं. The alga provide the fungus with food made by photosynthesis. और जो alga या fungus वगैरह है वो food के लिए photosynthesis का process करेंगे. The fungus eat the prepared food. जो fungus है वो food prepare करेगी and provide the alga, और alga को दे देगी
विद मिनरल, इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से उसको बचा लेगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारे पास पैरासिटिज्म। व्हाट इज पैरासिटिज्म? तो पैरासाइट्स या पैरासिटिज्म ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को उसमें नुकसान होगा। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म रिसीव बेनिफिट, एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, उसको फायदा होगा और जो दूसरा है उसको नुकसान होगा। द पार्टनर विच बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासाइट। तो इस रिलेशनशिप को हम पैरासाइट बोल देंगे, वाइल द वन विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर टू द पैरासाइट इज कॉल्ड द होस्ट। यानी कि एक जो है वो रहने के लिए उसको जगह भी दे रहे हैं, यानी शेल्टर भी दे रहे हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? होस्ट। तो ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी इसको कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो वर्म्स वगैरह हैं वो ह्यूमंस के गट में या एनिमल्स के गट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनसे शेल्टर भी ले रहे हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 50। Live on the host and feed by sucking the blood of the host or by releasing substances which are poisonous to the host. कुछ parasites ऐसे हैं जो कि host की body में रह रहे हैं, वहाँ से blood suck करते हैं और इसके अलावा वो क्या करते हैं, release करेंगे कुछ ऐसे substances, ऐसे enzymes वगैरह वो release करते हैं जो कि poisonous होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, किसके लिए? host के लिए। लाइस एंड फ्लीज लाइव ऑन बॉडीज ऑफ लार्ज एनिमल्स, ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लार्ज एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ द एनिमल, और ये जो एनिमल्स के ब्लड वगैरह है उसको फीड करते हैं। राउंड वर्म एंड टेप वर्म आर पैरासाइट्स, ये दोनों जो हैं पैरासाइट्स हैं। यहाँ पे टेप वर्म और राउंड वर्म दोनों दिखाए हैं। Which live in the guts of the animal, animal के gut में present होते हैं। They benefit by taking in host nutrients, और वहाँ से ये benefit ले रहे, फ़ायदा ले रहे हैं host के nutrients से। Some plant cannot make their own food, कुछ plants ऐसे होते हैं जो food नहीं prepare कर सकते या बना सकते। Such plant जैसे क्योस्क्यूटा plant है, obtained from food and nourishment by clinging ऑफ होस्ट प्लांट, ये दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, ये खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर लिपट जाते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट, इसको हम पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं। दे यूज़ देयर रूट्स टू एब्जॉर्ब फूड, ये अपनी रूट्स को यूज़ करते हैं, अपनी जड़ों को यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट। क्योस्क्यूटा सेकेंड नेम इसका डोडर है, हैज़ नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिस वजह से ये ग्रीन कलर में भी नहीं होते, एंड कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपनी फूड प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। इंस्टेड इट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, यूजिंग देयर न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे फॉर इट्स ग्रोथ एंड वीकनिंग द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट को वीक करने के लिए, ताकि वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स अपने ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या है? इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट अनदर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार दूसरे जानदार को मारता है और फिर उसे खाएगा। द ऑर्गेनिज्म दैट किल अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज नोन एज द प्रीडेटर, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रीडेटर, यानी कि जो शिकार कर रहा था। द ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एज फूड, और जिसको फूड के लिए यानी खाने के लिए मारा गया था, वो प्रे कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन किल्स आज अ रे फॉर फूड, अगर वो ज़राफ़े को जो शेर है वो मारता है, यानी कि अपने फूड के लिए उसको यूज़ करता है। इन दिस केस द लाइन इज़ द प्रीडेटर, तो लाइन को हम प्रीडेटर बोल दें क्योंकि वो शिकार कर रहा है और जो शिकार हो रहा है वो प्रे कहलाएगा। Some plants such as pitcher plant and Venus flytrap also catch flying insect and ants for food. कुछ plants भी ऐसे हैं जो कि predator के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये insect वगैरह को capture करते हैं और उसको digest कर लेते हैं। Next move on the page number 51.
The natural habitat of the Venus flytrap has soil containing very few minerals. Zameen se ya soil se ye bahut kam minerals lete hain. The leaves of the plant are adapted to catch and digest insect. Zameen se jab inhe bahut kam minerals milenge to ye kya karte hain, inke leaves ye catch karte hain flies ko, insect wagera ko, aur baad mein unko digest kar lete hain. The sundew is one of the largest genera of carnivorous plants. इनको हम carnivorous plants बोलते हैं क्योंकि जो insect वगैरह थे वो meat में आ जाएंगे तो ये carnivorous हो जाएंगे. With at least 194 species, जब इसको देखा गया तो इसके genera में 194 species आ जाती हैं इसकी ऐसे plants की जो कि carnivorous हैं. The plant feed on insect, और ये plants insect पे feed करते हैं which are attracted to the glistening drops. Glistening drops कौन से हैं, यानी कि shining में इसके ऊपर इसकी surface पे drops present होंगे, mucilage के होंगे जो कि sticky होंगे. जब कोई insect आके इसको nectar को या जो glistening drops है इसको उसको suck करने आएगा तो ये तो पहले ही sticky थे तो वो इसके साथ चिपक जाएंगे. Loaded with a शुगरी सब्सटेंस, और ये मीठा सब्सटेंस होगा कवरिंग इट्स लीव्स, जिसने लीव्स को कवर किया. नेक्स्ट मूव द एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट है हमारे पास द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. जो नेचुरल होम है यानी कुदरती तौर पर ऑर्गेनिजम्स को होम दिया गया है वो कौन सा है. एन इकोसिस्टम, एन एनवायरमेंट, अ हैबिटेट, एंड अडॉप्टेशंस. तो हैबिटेट है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, डेजर्ट्स आर डोमिनेटेड बाय. जो डेजर्ट हैं वहाँ पे जो सहरा वगैरह है डोमिनेट, उसमें क्या है, ज़्यादा कैक्टिव प्लांट था, ग्रीन प्लांट्स थे, टॉल ग्रास था, या नन ऑफ दीज. यहाँ में इनमें से कोई भी नहीं. तो यहाँ पे कैक्टिव प्लांट था जो हमने पढ़ा था जो कि काफ़ी देर तक, मंथ्स तक सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर. थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स मेक अप द. एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और ये क्या बनाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एनवायरनमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट या एटमॉस्फेयर. तो ये एनवायरनमेंट बनाएंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह मिलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द हैबिटेट विच रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. हमने खुद आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है हैबिटेट की जो कि रेनफॉल को रिसीव करता है. तो वो कौन सा है, एक्वेटिक है, डेजर्ट है, माउंटेन है या फॉरेस्ट है. तो जो डेजर्ट है ये कम से कम मिकदार को, जो वाटर की मिकदार है उसको रिसीव करेगा. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे बताने कौन सा है, फ्रॉग और ओशंस, लाइन ग्रासलैंड, कैमल डेजर्ट, वेल एक्वेटिक. तो फ्रॉग तो ओशंस में रहते ही नहीं है, समुद्रों में तो वो नहीं रहते, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकरेक्ट पेयर है वो फ्रॉग और ओशंस का होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, प्रोड्यूसर्स आर मेनली. जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स या प्लांट्स. कार्निवोर्स तो वो थे जो ना मीट पे फीड कर रहे थे. ओमनीवोर्स कौन से थे, जो मीट और प्लांट दोनों पे फीड कर रहे थे. हर्बीवोर्स कौन से थे, जो हर्ब्स यानी कि प्लांट्स पे फीड कर रहे थे. और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है प्लांट्स, तो प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पे हमने प्राइमरी कंज्यूमर बताना है कि वो कौन सा है, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, प्लांट्स या हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर है क्योंकि ये प्लांट्स पे ईट करते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेटर. यहाँ पे प्रीडेटर कौन है, शिकार कौन करता है, लाइन, हेन, गॉड या जरेफ. तो यहाँ पे हमने पीछे एक्सरसाइज से पहले यूनिट में भी पढ़ा था, जो लाइन है वो एज अ प्रीडेटर काम करता है, वो शिकार करता है, तो लाइन जो है वो प्रीडेटर कहलाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट. तो यहाँ पे पैरासाइट कौन सी चीज़ नहीं है, टिक, लाइस, राउंडवर्म या यीस्ट. तो जो टिक, लाइस और राउंडवर्म से, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तो पैरासाइट है ना, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहती हैं, उनके गट्स में रहते हैं, लेकिन यीस्ट जो है ये तो बॉडी में नहीं रहती, इस वजह से जो यीस्ट है वो पैरासाइट नहीं होगी.
लास्ट वन है हमारे पास हनी बी एंड फ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, पैरासाइट्स की, प्रेडेटर की, म्यूचुअलिज्म की, या नन ऑफ दीज होगा, तो ये म्यूचुअलिज्म की है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कॉपरेशन से काम करते हैं, इस वजह से ये म्यूचुअलिज्म में आ जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 4 इकोसिस्टम, जो हमने रीडिंग की उसकी एक्सरसाइज वगैरह की, उसके अब क्वेश्चन स्टार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स की कुछ टाइप्स थी जो हमने रीडिंग में भी पढ़ी थी, तो फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, सेकंड है पैरासिटिज्म, और थर्ड है हमारे पास प्रेडेशन। म्यूचुअलिज्म क्या था, अ रिलेशनशिप बिटवीन living things in which both the organisms benefits from each other. यानी म्यूचुअलिज्म ऐसा प्रोसेस था या ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें दोनों जानदारों को फायदा होगा, वो म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। सेकंड है हमारे पास पैरासिटिज्म, अ रिलेशनशिप बिटवीन living things in which one organism benefits and the other is harmed यानी पैरासिटिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जानदार को फायदा होता है और दूसरे को उसमें नुकसान होगा, तो ये पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप हो जाएगा। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है प्रीडेशन। व्हाट इज प्रीडेशन, एन इंटरेक्शन in which one organism kills and eats another. प्रेडेशन ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट अनदर। तो प्रेडेशन में क्या होता है, एक जो है वो प्रेडेटर है और दूसरा जो है उसका प्रे था, जैसे लाइन की एग्जांपल बता दी थी, लाइन था प्रेडेटर, उसने अपने प्रे को शिकार करना था, तो ये प्रेडेशन हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स are the non-living part of the environment
दैट हैव मेजर इन्फ्लुएंस, जो कि असरअंदाज होती हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन हेल्प determine things like how tall trees grow, where animals and plants are found, most important abiotic factors include water, sunlight, oxygen, soil and temperature. जो जो माहौल पे असरअंदाज चीज़ें हो रही थी एबायोटिक फैक्टर में, वो हमने यहाँ पे राइट की हैं, जिसमें सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर वगैरह आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? द नेचुरल होम environment and animal plant or other organisms. यानी हैबिटेट क्या होगा? नेचुरल होम है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट रह रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इसको हम हैबिटेट बोल देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में हमने फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स live on land, ज़मीन पे रहते हैं. For most and all of their life लाइफ स्पैन, यानी इनकी ज़िंदगी का जितना भी दौरानिया है, ये सारा कहाँ पे गुजारते हैं? लैंड पे, यानी ज़मीन पे. इसके अलावा डेजर्ट है,
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सेकेंड इसका कंपैरिजन जो हमने करना था, डिस्टिंग्विश करना था एक्वेटिक से, तो एक्वेटिक में क्या आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड इन वॉटर टाइप्स थी इसकी, फर्स्ट थी हमारे पास फ्रेश वाटर जिसमें पॉन्ड्स वगैरह और स्ट्रीम आ जाती हैं फ्रेश वाटर, और सेकंड पे है हमारे पास सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में क्या आ जाता है, ओशंस। ओशंस में वाटर जो है वो सॉल्टी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एबायोटिक कंपोनेंट, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। द नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, हमने रीडिंग में भी इसको पढ़ा था। ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी of interacting organisms जो के जानदारों को इंटरेक्ट करती हैं। एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट इकोसिस्टम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग। कार्निवोर्स के बारे में हमें बताना है और ओमनीवोर्स के बारे में बताना है। अ हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म that eat on plants, यानी herbivores क्या थे जो के plants पे feed कर रहे थे, वो क्या कहलाएंगे, herbivores।
नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या थे? एन एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स. ऐसे जानदार जो कि दूसरे जानवरों पे फीड करते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाएगा. इन शॉर्ट ये एनिमल वगैरह पे फीड करते हैं, यानी मीट वगैरह खाते हैं. थर्ड वन है हमारे पास ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स क्या है? विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ओमनीवोर्स ऐसे जानदार हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं. नाउ हमारा जो यूनिट नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया है. इकोसिस्टम, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी, इसको अंडरस्टैंड किया होगा. और हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट है बिल्कुल. ओके, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.